हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने एक जर्नलिस्ट के, जो कि बहुत एक बड़ी संस्थान में काम कर रहे थे, बहुत प्रसिद्ध थे, अच्छा काम किया था, उनके लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी के जब अंगूठा में जब चोट आ गई थी, उसके लिए भी ट्वीट किए हैं कि अफगानिस्तान में जो डेथ हुई हैं, जो हत्याएँ हुई हैं, उन पर 8 बार ट्वीट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए नहीं किया जो अभी अफगान में मारे गए। मैं जो ट्वीट कर रहा था वो एक पत्रकार की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं एक नागरिक की तरह कर रहा था। वार्निंग होती तब भी मैं ये बात लिखता कि प्रधानमंत्री सेमलेस प्राइम मिनिस्टर। तत्कालिक जो प्रतिक्रिया कंपनी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से जो आई थी वो ये थी कि दानिश की जो हत्या हुई तालिबान के द्वारा या अफगानिस्तान फोर्सेस के द्वारा अफगानिस्तान में, तो उसे लेके मैं लिख रहा था और मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी उस पर आलोचना की है, तालिबान ने भी की है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने की है, फ्रांस ने की है, सारे देशों ने की है, पत्रकारिता के बड़े बड़े संगठनों ने किए, पूरा देश उस चीज़ को लेकर दुखी है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर एक ट्वीट नहीं आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने एक जर्नलिस्ट के, जो कि बहुत एक बड़ी संस्थान में काम कर रहे थे, बहुत प्रसिद्ध थे, अच्छा काम किया था, उनके लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री किसी की डेथ पर ट्वीट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी के जब अंगूठा में जब चोट आ गई थी, उसके लिए भी ट्वीट किए हैं। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में जो करीब, मैंने जैसे अभी एक डाटा पढ़ा था कि अफगानिस्तान में जो डेथ हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उन पर 8 बार ट्वीट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए नहीं किया जो अभी अफगान में मारे गए। तो उसे लेके जो एक मेरे अंदर जो एक मैं जो हर्ट हुआ था कि मतलब हमारे देश के अगर अफगानिस्तान से कोई बात करेगा, राहुल गांधी तो नहीं करेंगे, मायावती नहीं करेंगे, अगर मायावती आंसर नहीं करती, अगर राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते तो उनसे भी सेम भाषा में लिखा जाता, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनके लिए लिखा कि आप एक सेमलेस प्रधानमंत्री हैं। तो उसे लेके जो उनके समर्थक हैं उन्होंने घेरना शुरू किया और आज तक को टैग करना शुरू किया और उसके जो मालिक हैं उनको टैग करना शुरू किया कि आप इसे हटाते क्यों नहीं। तो एक तरह का जो जवाब, एक दबाव जो बन गया था उन पर, तो उसे लेके उन्होंने एक कार्रवाई की और मुझे रात को एक ट्वीट, एक ईमेल आता है कि आप मतलब तत्काल या इसी समय से इमीडिएटली बर्खास्त किए जाते हैं, तो टर्मिनेशन हो गया। तो उससे लेके कोई वार्निंग वगैरह नहीं थी, और वार्निंग होती तब भी मैं ये बात लिखता कि प्रधानमंत्री सेमलेस प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चेतावनी मुझे दी गई, और मुझे कोई एक व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, पर्सनल मैसेज ऐसा कहते हैं, कोई एक ईमेल नहीं मिला जिसमें मुझसे ये कहा गया हो कि आपने अमुक ट्वीट जो है गलत लिखे हैं, आप उन्हें मत लिखे हैं, कि वार्निंग देते, एक नहीं 10 देते, 10 नहीं 12 देते, कंपनी नहीं, प्रधानमंत्री खुद वार्निंग देते, डिफेमेशन का केस लगाते या कोई पुलिस चौकी में FIR होती, तब भी मैं जो बात मैंने लिखी थी कि प्रधानमंत्री सेमलेस प्राइम मिनिस्टर हैं और हैं, और वो केवल एक घटना नहीं है, दानिश एक छोटा सा एक इवेंट था कि दानिश की वजह से वो चीज़ मेरे अंदर से बाहर आई। मैं कोविड में देख रहा हूँ कि मतलब लाखों लोग मारे जा चुके हैं, और जिस टाइम पे 1.5-1.5 लाख 1-1 लाख केसेज आ रहे थे, उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री बंगाल में जाके ये कहते हैं ओ दीदी। तो उस आदमी के लिए अगर मैंने ये कहा कि आप बेशर्म हैं या आप स्पाइनलेस हैं या आप कोवार्ड हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये बड़े ही संवैधानिक शब्द हैं और बड़ी ही सभ्यता में मैं ये बात कह रहा हूँ। जो IAS IPS हैं या जो लोग सरकारी जगहों पर काम करते हैं वो लोग, या जो एक मान के चलिए किसी की दुकान है, या आप ही आप पत्रकार हैं, या जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वो कुछ भी लिखने से पहले क्या सोचते नहीं हैं? सारे लोग सोचते हैं, इस देश का एक एक नागरिक, इस देश के लोकतंत्र की हार ही यही है कि लोग लिखने से पहले सोच रहे हैं, पत्रकार लिखने से पहले सोच रहे हैं। तो मैं तो जागरूक हूँ, मुझे तो पता है कि किस तरह से मुझे घेरा जा सकता है, मेरे आसपास के लोगों को जेल में डाला गया है,
6-6 महीने से लोग, हमारे दोस्त अभी भी जेलों में, उमर खालिद जेल में है, मंदीप पुनिया उनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे तमाम आपके सामने उदाहरण है। तो मुझे तो एक ट्वीट लिखते समय नहीं, मुझे एक एक शब्द पे पता होता था कि इस शब्द पे मुझे क्या पड़ा मिल सकते हैं। लेकिन इस देश में लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए, अपने बोलने की आज़ादी के लिए बहुत सारी कीमतें चुकाई हैं। लोगों ने जान का पेमेंट करके वो आज़ादी ली है। मैंने केवल नौकरी गवा के ये आज़ादी ली। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये चीज़ हासिल की है और मुझे बहुत सस्ते में ये चीज़ मिली है कि मुझे वो आज़ादी केवल एक नौकरी गंवाने से मिली। किसी को भी इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो मुझे निकाला गया, मेरी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी अरुणपुरी जी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे संपादक से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जिन सवालों को मैं उठा रहा हूँ, वो सवाल दरअसल मैं उनके उठा रहा हूँ। कि मैं खुद अगर मैं निकला भी हूँ तो मैं कंपनी के सवाल उठा रहा हूँ कि हमारी कंपनियों को, हमारे देश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है, क्यों उन्हें अपने एम्प्लॉय निकालने पड़ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं। तो एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं, मैं एक नागरिक के रूप में मेरा ये सवाल था और वो जो मुझे चुकाना था कि मुझे ये चीज़ बोलनी थी कि मेरे देश में नागरिकों की, अधिकारों की क्या हालत होगी। मैं जिस तरह का एक समर्थन देख रहा हूँ वो बहुत बड़ा समर्थन है। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा ये ट्वीट वायरल होने वाला है। ये जो समर्थन मिला है उसके बीच में जब आपकी पर्सनल आलोचनाएँ होती हैं, क्रिटिसिज्म जो होता है, तो वो आपको हर्ट करता है। क्योंकि मैं उतना परिपक्व नहीं हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को पचा जाऊँ। मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं मानता कि वो मैं, जब मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करता हूँ तो मैं ये जगह देता हूँ कि मेरा दोस्त मुझे आलोचना कर सके। पर व्यक्तिगत रूप से मतलब मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा आप किसी चर्चा का विषय बन जाए और आपकी जो व्यक्तिगत मानसिकता है, जो आपकी परिपक्वता है, वो छोटी हो। मेरी जो अभी लर्निंग है वो बहुत छोटी है। मैं 24-25 साल का लड़का हूँ, 26 का हो गया। तो मेरे लिए पचाना बड़ा मुश्किल काम है, कि ये मेरे लिए मेंटल इश्यूज की बात है। और हालांकि मैं मजबूत हूँ, जब मैं प्रधानमंत्री के लिए लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, पर फिर भी आपके दिल के एक कोने में एक चीज़ होती है कि ये आप पचा पाएंगे कि नहीं। तो कई पत्थर आप संभाल के रख लेते हैं, कई पत्थर आपको हर्ट करते हैं। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि मैं जो ट्वीट कर रहा था वो एक पत्रकार की दृष्टि से बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं एक नागरिक की तरह कर रहा था। और हालांकि पत्रकार की जो जिम्मेदारी होती है वो और ज़्यादा हो जाती है। नागरिक के रूप में मैंने वो काम किया था, नागरिक के रूप में जो सर्वाइवल के लिए जो काम है, कि मान के चलिए मेरे गाँव में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा परिवार, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं। मैं तो बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो वो लोग कपड़ों की दुकानों पर काम करते हैं, वो लोग कैमरे लगाने का काम करते हैं। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा और स्किल्ड लड़का हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कहीं कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। तो पर मेरे सामने यही है कि मैंने पत्रकारिता की नौकरी के लिए गई है, तो वो पत्रकारिता का तो मैंने सोच के भी नहीं लिखा था, मैंने नागरिक के रूप में सोच के लिखा था। और नागरिक के रूप में जो मुझे एक पावर चाहिए वो मेरे पास हमेशा है, जब तक कि मेरी सांस नहीं रुक जाती हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।